हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूं सराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं। आज का वीडियो आपको पता है कि संडे प्रॉपर्टीज मसाला है। आपको तो पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया गया था संडे के टाइम, तो आपके लिए मैंने संडे प्रॉपर्टीज मसाला लेके आया हूं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा अलग अलग प्रोजेक्ट का, अलग अलग लोकेशन का। सो वीडियो पे बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो का लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लोकेशन जो है हमारा आपका और सबसे फेवरेट लोकेशन जो है, ज़्यादा करके रिस्पांस जो दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, जो है पुष्पक नगर नई मुंबई। आज के डेट में पुष्पक नगर नई मुंबई में बहुत लोग इन्वेस्टर बायर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि रीज़न ये है कि वहाँ पे नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। बाकी चीज़ मुंबई टू नई मुंबई को कनेक्ट हो चुका हुआ है अटल सेतु की वजह से। जो ब्रिज बना हुआ है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इट इज़ अ मुंबई ट्रांसफार्मर लिंक रोड है यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी हो गया मुंबई को इजी 15 मिनट में जाने के लिए। अपकमिंग में आपको बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अपकमिंग में वहाँ पे मल्टीमोडल कॉरिडोर आ रहा है, वहाँ पे मेट्रो लाइन आ रही है यहाँ पे। ये सब चीज़ कनेक्टिविटी वहाँ पे है। तो लोगों ने पुष्पक नगर उल्वे लोकेशन एंड बाकी यहाँ पे खारगर लोकेशन में जो देख रहे पनवेल लोकेशन में प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको जो प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए और जो प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन ज़्यादा ग्रोथ होता है वो लोकेशन है अभी फ़िलहाल पुष्पक नगर। देखिए वहाँ पे पनवेल में ऑलरेडी रेट प्राइसिंग बढ़ चुका हुआ है और यहाँ पे उल्वे में भी रेट प्राइसिंग बढ़ चुका हुआ है, खारगर में भी प्राइसिंग रेट बढ़ चुका हुआ है वहाँ पे। तो अभी जो बचा हुआ है पुष्पक नगर। पुष्पक नगर ऐसा जगह है जो अभी अंडर डेवलप है। 5 to 6 years लगेगा पूरा डेवलपमेंट होने के लिए। मैंने तो बहुत सारे वीडियो में बताया गया है इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको मैंने जो वीडियो लास्ट टाइम से हर एक वीडियो में पोस्ट किया जाता है पुष्पक नगर के बारे में, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप कमर्शियल शॉप लीजिए, कमर्शियल ऑफिस लीजिए, या फ्लैट में जाना चाहते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK में कॉन्फ़िगरेशन जा सकते हैं। यहाँ पे आपको हाई राइज टावर नहीं मिलेगा। हाई राइज टावर आपको और पनवेल साइड में मिलेगा, क्योंकि ये हाई राइज टावर में है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक है। इट इज़ 2 किलोमीटर डिस्टेंस आता है, तो हाइट रिक्सेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 13 स्टोरेज 13 माला तक परमिशन है, उसके ऊपर नहीं जा सकते यहाँ पे। जो मैंने आपको प्राइसिंग रेट मैंने आपको बहुत सारे टाइम बताया गया है जो अपने पास अवेलेबल रखा हुआ है। अभी गुड़ी पड़वा का ऑफर है, इसमें आप रेडी टू मूव में चाहते हैं तो G+7 एंड आप इसके अंदर 6 महीने में पोजीशन में जाते हैं तो G+10 फ्लोर के, और बाकी सब जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है यहाँ पे। तो आप एक छोटा भी बजट देख रहे हैं 1 BHK 2 BHK, तो 1 RK आपको 25 लाख से लेके आपको 27.5 लाख के बीच में आ जाएगा। 1 BHK आप देख रहे हैं तो 35 लाख से लेके 41 लाख के बीच में आ जाएगा। ये G+7 स्टोरेज में जाते हैं एंड G+10 फ्लोर और G+13 स्टोरेज में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 45 लाख से स्टार्टिंग है। 45 लाख से लेके 52 लाख जाता है 1 BHK। 2 BHK आप जाते हैं तो 65 लाख से लेके आपको 85 लाख के बीच में आ जाता है यहाँ पे। 3 BHK आपको 95 लाख से लेके 1 करोड़ 10 तक के आ जाता है। ये प्राइसिंग बजट रेट रखा हुआ है। शॉप और कमर्शियल ऑफिस में देखा जाएंगे तो यहाँ पे जो है शॉप का पर स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया पे लगाते हैं जो 10,000 स्क्वायर फीट रेट चालू है। तो आप जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है जो आपको 40 लाख से स्टार्टिंग है, जो शॉप सेक्टर 7 में देखो, सेक्टर 8 में देखो, वहाँ पे अवेलेबल है 40 लाख से लेके 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक शॉप अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये पुष्पक नगर आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पे। बाकी नई मुंबई में आप देखा जाएंगे तो खारगर में अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 37 में सिडको टेंडर प्लॉट है एंड उत्सव चौक है खारगर में, वहाँ पे G+7 स्टोरेज का भी बिल्डिंग आ रहा है वहाँ पे। सिडको टेंडर प्लॉट है वहाँ भी है यहाँ पे, वो G+7 है। बट वो जो मैं आपको सेक्टर 37 का मैं बता रहा हूँ, 36-37 के जो सेक्टर है वहाँ पे हाई राइज टावर आपको मिलता है वहाँ पे। 36 फ्लोर का स्टोरेज टावर है, कुछ स्टोरेज टावर है 41 स्टोरेज का टावर दिया हुआ है। तो अपकमिंग में आ रहा है मेरे पास, तो मैं आपको बताऊँगा उसका वीडियो अपडेटेड यहाँ पे।
बाकी इससे उलवे में देखा जाएंगे तो उलवे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे अवेलेबिलिटी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी काम चालू है एंड जो नियर बाय पोजीशन वाला भी है और जो है आपको 1.5 साल में भी पोजीशन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उलवे में भी अवेलेबल है, जो बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन है वहाँ से नियर बाय है आपके लिए, तो आपको रेडी टू मूव भी है। तो उलवे में आप देख रहे तो प्राइसिंग थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। एज ए सेक्टर में जाते हैं, मैं आपको 25 नंबर और 24 नंबर सेक्टर का बात छोड़ दीजिए, उसका नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो सेक्टर वाइज में दूसरा सेक्टर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम आपको 55 लाख जाता है 1 BHK, 55 लाख से लेके 65 लाख के बीच में 1 BHK है आपको। एंड 2 BHK में आप जाते हैं तो 2 BHK अपने पास जो अवेलेबल है 95 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक है, मतलब 1.5 करोड़ तक जाता है जो 2 BHK अवेलेबिलिटी है। बाकी ये मैं आपको ये स्टोरेज टावर बता रहा हूँ, ये आपको 7 फ्लोर का भी है एंड 10 फ्लोर का है एंड आपको 12 स्टोरेज का भी टावर मिल जाता है यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज़ उलवे में देखा जाएंगे तो आपको रेडी टू मूव ये भी है अवेलेबल, वो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास आए हुए हैं, मेरे जो टीम है, मेरे जो पार्टनर है वहाँ पे रहते हैं, वो उनके साथ काम करता हूँ मैं, तो वो उलवे का है। तो आपके लिए उलवे में भी चाहिए प्रॉपर्टीज़ तो अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। ऑप्शंस है तो कम ही ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो है वही देखना पड़ेगा आपको वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल। बट वहाँ पे आपको बसेस कनेक्टिविटी है यहाँ पे उस तरफ एंड वहाँ पे लोकल का है जो ऑलरेडी नेरूल से लेके उरन के ट्रेन चालू हो चुका हुआ है, तो आपको बामन डोंगरी और खारखोपर नज़दीक पड़ जाता है आपको रेलवे स्टेशन यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट है आपको कनेक्टिविटी के लिए। उलवेड ऑलमोस्ट 80-90% डेवलपमेंट हो चुका हुआ है, अभी 26 सेक्टर ओपन किया गया है वहाँ पे। बट प्राइसिंग रेट में देखा जाएंगे तो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा कम रेट में पुष्पक नगर में सबसे बेस्ट है आपके लिए यहाँ पे। ये मैंने आपको नई मुंबई का खारघर में अपकमिंग में आने वाला है एंड इस तरफ उलवे में भी अपने पास है, पुष्पक नगर में भी है, जो मेरा ऑफिस पुष्पक नगर में ऑलरेडी है, जो पुष्पक नगर देख रहे हैं यहाँ पे। और बाकी पनवेल में आप जाते हैं हाई राइज टावर्स ब्रांड में जाना चाहते हैं तो वो भी अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे, जो है वाधवा वाई सिटी भी है प्रोजेक्ट अपने पास, गोदरेज का भी है प्रोजेक्ट वहाँ पे अपने पास एंड हीरानंदानी का भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो इसमें जाते हैं तो थोड़ा सा प्राइसिंग रेट ज़्यादा आपको जाएगा, इसमें कम से कम आपको 1 BHK आपको 45 लाख से जाएगा आपको 1 BHK। वाधवा वाई सिटी में जाओ या गोदरेज में जाओ, इसके अंदर हीरानंदानी में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 BHK आपको 75 लाख जाता है वहाँ पे, आपको 1 BHK वो 75 लाख तक चले जाता है क्योंकि हीरानंदानी का इज ए ब्रांड है, थोड़ा सा प्राइसिंग रेट ज़्यादा है वहाँ पे। तो पनवेल लोकेशन में ये अवेलेबल है अपने पास, जो स्टेशन से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, डिस्टेंस लंबा पड़ेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखिए। तो ये एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में ये अपने पास अवेलेबिलिटी है और जिनका बजट कम है, मतलब कोई रेडी टू मूव में सोच रहा है कि कम बजट में चाहिए, तो करंट जडे में भी ऑप्शंस है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, रेडी टू मूव भी है, दोनों ऑप्शंस है। करंट जडे भी एक लोकेशन है, जो करंट जडे आपको नियर बाय एयरपोर्ट के पास ही पड़ता है, जो करंट जडे आपको ऑलरेडी वहाँ पे भी 70-80% डेवलप हो चुका है, सेक्टर 8 में है, सेक्टर 5 में है अवेलेबल, तो अपने पास अवेलेबल एबिलिटी है वहाँ पे। रेडी टू मूव देख रहे तो वो भी अवेलेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी चालू है, सेक्टर 1 में है तो वहाँ पे बहुत सारे अपने पास कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो वो आपको अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे। तो ये पुष्पक नगर एंड उलवे, करंजड़े, खारघर, पनवेल, तो ये सराउंडिंग एरिया में जो एयरपोर्ट अपकमिंग आ रहा है वहाँ पे, उसका रेट थोड़ा सा आगे जाके एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलने वाला है, तो ये आगे का फ्यूचर प्लानिंग है यहाँ पे रखा हुआ है। और ये नई मुंबई का लोकेशन के हिसाब से ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है, पुष्पक नगर, उलवे, करंजड़े, खारघर एंड पनवेल, ये लोकेशन का मैं आपको ये बता दिया है। और अब हम आ जाते हैं थाने लोकेशन, अब आ गए हैं हम थाने लोकेशन में। थाने लोकेशन इट इज़ अ मुंबई के नियर बाय है और थाने ऐसा लोकेशन है, बहुत लोगों का चॉइस है यहाँ पे थाने में लेने के लिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे थाने सिटी से लेके थाने घोड़बंदर रोड पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चालू है जो ब्रांड है यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे थाने लोकेशन में। तो थाने में देखा जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबिलिटी है। मैं आपको देखिए अभी ऐसे थाने में, जो थाने सिटी और घोड़बंदर रोड साइड में आपको एक नॉर्मली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हो चुके हुए हैं यहाँ पे, ब्रांड बिल्डर भी है यहाँ पे, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, बहुत सारे डेवलपर हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं।
आपको बजट में देखा जाएंगे ना, यहाँ पे बजट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी जो अब हमारे पास अवेलेबल है ना 39 लाख से स्टार्टिंग है 1 BHK घोटबंदर रोड पे, 39 लाख से लेके आपको 1 BHK आ रहा है यहाँ पे, और 2 BHK में आप जाते हैं तो 58 लाख में आपको आ रहा है 2 BHK, तो वो आपको आ जाता है। बाकी का प्लस प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट चार्जेस वो अलग रहेगा। ये लोकेशन पे घोटबंदर रोड पे सबसे कम वाला प्राइस ये रखा हुआ है थाने सिटी में। यहाँ पे अभी आप बजट लेके ऐसे चल रहे हैं तो बड़ा कारपेट में आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आप देखा जाएंगे तो 65 लाख से लेके 75 लाख के थाने सिटी तक 1 BHK आ जाता है। एंड ये जो मैं माझीवाड़ा तक बता रहा हूँ, माझीवाड़ा कापुरवाड़ी तक, और एक्चुअली थाने सिटी में आप जाते हैं नौपाड़ा पकड़ लीजिए, तीन आत्मा का पकड़ लीजिए, वर्तनहर पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1 BHK आपको 1.4 करोड़ तक जाता है यहाँ पे, तो ये प्राइसिंग रेट रखा हुआ है। 2 BHK में आप जाते हैं तो 2 BHK घोटबंदर रोड साइड में आपको मैंने बताया स्टार्टिंग प्राइसिंग 58 लाख से स्टार्टिंग है, से लेके आपको 1.20 करोड़ के बीच में आप जाते हैं यहाँ पे जो घोटबंदर रोड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 2 BHK अवेलेबल है। कुछ आप माझीवाड़ा लोकेशन पे ये जंक्शन पे जाते हैं तो 1 करोड़ से आपको 50 लाख से लेके आपको 2 करोड़ 20 2 करोड़ 10 लाख के ज़्यादा, जैसे ब्रांड रहेगा वैसा डेवलपर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है प्राइसिंग रेट बढ़ेगा आपको। तो थाने लोकेशन इट इज़ अ मेन ऑफ द सेंटर ऑफ मुंबई का, आप यहाँ पे कनेक्टिविटी सब जगह से जा सकते हैं। पहले तो एक तो सबसे पहले आप मुंबई जा सकते हैं, यहाँ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से नासिक जा सकते हैं, नई मुंबई जा सकते हैं, यहाँ से आप घोटबंदर रोड पकड़ लीजिए, आप यहाँ पे गुजरात साइड निकल जाते हैं जो आपको कनेक्टिविटी इजी मिलता है। मतलब थाने इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी का, मुंबई का सिटी है, इसीलिए आप चारों साइड में आप कहीं भी जाना रहेगा आप वहाँ पर जा सकते हैं, नई मुंबई होके पुणे भी जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको थाने में अपने पास अवेलेबल है, बहुत सारे डेवलपर्स ब्रांड है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ रखे हुए हैं। तो इसके लिए आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है थाने सिटी के लिए, तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो मेरे कलीग है वो आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे क्या बजट में देख रहे हैं। बजट मिनिमम आपको मैंने बता दिया, मिनिमम से लेके लास्ट तक जो अवेलेबलिटी है अपने पास जो बजट में, वो प्रॉपर्टीज़ ब्रांड में आप जा सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं तीसरा ऑप्शन है भिवंडी। भिवंडी सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट का चॉइस था वहां पे भिवंडी, जो कशिली और काल्लेर और भिवंडी सिटी लोकेशन में, भिवंडी कल्याण बाईपास रोड कोनगांव तक, यहां तक ये मेरे पूरे मार्केट थे उस टाइम, एक अप्रोक्स 2 से 3 साल पहले। तो अब जाके मेरे कलीग हैंडल करते हैं वहां पे, तो वहाँ पे अभी आपको MMRD रेरा प्रोजेक्ट है। भिवंडी महानगर पालिका छोड़ दीजिए, आप भिवंडी महानगर पालिका छोड़ने के बाद आप है ना जो ग्रामीण भाग में आता है तो वहाँ पे MMRD रेरा प्रोजेक्ट है। तो आप नियर बाय थाने में देखते हैं, देखिए थाने में वैसे घोटबंदर थोड़ा डिस्टेंस लंबा होता है, बट सिटी में जाते हैं थाने सिटी महानगर पालिका लंबा है बट ब्रांड है यहाँ पे। बट आप एक गांव के साइड में आते हैं, मतलब एक ग्रामीण भाग में आते हैं तो वहाँ पे MMRD हुआ है, महानगर पालिका नहीं हुआ है, तो MMRD रेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो जो थाने से नियर बाय या कापुरवाड़ी से नियर बाय एक कशिली कालेर लोकेशन है, वो आपको नियर बाय पड़ता है। यहाँ पे 1 BHK 35 लाख से लेके आपको 42 से 43 लाख तक जाता है कशिली और कालेर में देखते हैं 1 BHK। 2 BHK आप जाते हैं तो 55 लाख से लेके आपको 68 लाख के बीच में जाता है ऑल इंक्लूसिव, बट ये कारपेट बड़े मिलेंगे आपको। ये मैं आपको एक नॉर्मल डेवलपर रहते हैं जो लोकल डेवलपर्स है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लीट किए हैं प्रोजेक्ट यहाँ पे कशिली कालर में, वो उसका प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ। और ब्रांड में आपको जाना है दोस्ती। दोस्ती का देखा जाएंगे तो दोस्ती ने मुझे कमेंट किया गया था कि बोले थे कि फेस वन का कब पोजिशन है। देखिए फेस वन का पोजिशन मुझे आई थिंक सो लग रहा है कि दिसंबर तक आई थिंक सो जा सकता है यहाँ पे। तो मैं ये मेरे टेंटेटिव है क्योंकि जो काम चालू है, जैसे है लोग तो बोल रहे हैं जून में देने के लिए, जून में दिए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है 2024 में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक जा सकता है यहाँ पे पोजीशन के लिए। इसमें फेज टू लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने वीडियो शेयर किया हो गया है, 1 BHK 2 BHK का दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, सिंपलीफाइड भी मैंने बहुत सारे बताए गए हैं, तो जो आपको उसमें जाना चाहते हैं तो आपको लोकेशन और प्राइम लोकेशन मैंने वीडियो शेयर किया गया था, आपने बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, देखा भी वीडियो वो। तो एक ब्रांड में दोस्ती में आप जा सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है।
अभी दोस्ती में जाना है, देखना है प्रॉपर्टीज़, कालियर कश्ती में देखना है, तो वो भी मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करिए। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे। भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे एक बजट वाला फ्लैट से आपके लिए माड़ा का है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जाता है वहाँ पे माड़ा में प्रोजेक्ट है। 19 लाख से स्टार्टिंग है, आपका पहला घर है तो 19 लाख में है आपको माड़ा प्रोजेक्ट में मिल जाता है। और उसमें नॉर्मल बिल्डर से जाते हैं, जो बिल्डर प्राइवेट बिल्डर है, माड़ा का ही प्रोजेक्ट है, बट वो आपको 28 लाख तक जाता है 1 BHK। यहाँ पे 2 BHK 35 लाख से लेके आपको 45 लाख के बीच में आ जाता है 2 BHK। बाकी डेवलपर्स के वहाँ पे देखा जाएंगे 1 BHK आपको 28 लाख से लेके 35 लाख के बीच में जाता है, जैसे कारपेट आपके बड़े रहेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग डेवलपर्स है वहाँ पे जो आपको 35 लाख तक जाता है। ब्रांड में आप जाते हैं तो पकड़ लीजिए गोदरेज, पकड़ लीजिए वहाँ पे निर्वाणा गोदरेज है वहाँ पे, एंड टाटा पकड़ लीजिए, टाटा का तो वहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो गोदरेज में आप देखा जाएंगे तो 42 लाख जाता है आपको 1 BHK वहाँ पे, एंड बाकी 1 BHK का 2 BHK का आपको अप्रॉक्स एक 65 लाख तक जाता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको टाटा आमंत्रा में रेडी टू मूव फ्लैट्स है 2 BHK 3 BHK है, जो 2 BHK आपको अप्रॉक्स एक 80 लाख के आसपास जाता है, 80-90 लाख के बीच में जाता है, जो अभी 2 BHK बड़ा वाला कारपेट है, छोटा वाला कारपेट नहीं, छोटा वाला कारपेट 60 लाख में था तभी, अभी बड़ा वाला कारपेट 80 लाख 90 लाख के बीच में जाता है। 3 BHK का वो उसका प्राइसिंग मेरे पास नहीं आया, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करिए, मेरे कलीग है उसको आप पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, आपको पूरा डिटेल्स समझाएंगे अच्छे से, आप वो चीज़ बता देंगे यहाँ पे। एंड आप कोनगांव साइड में आते हैं, मतलब भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे आते हैं, तो वहाँ पे कोनगांव साइड में ऐसा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको 28 लाख में 1 RK आ रहा है, MMRD रेरा प्रोजेक्ट है, एंड 1 BHK आप जा रहे हैं तो 32 लाख से लेके 39 लाख के बीच में आ जा रहा है, जो आपको यहाँ पे कल्याण कोनगांव साइड में मिल जाता है। इसका कनेक्टिविटी आपको तो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया गया था कि इसमें डायरेक्ट थाना से आते हैं तो 44 लेन का एक हाईवे हो जा रहा है, जो आपको समुद्री एक्सप्रेस हाईवे को टच कर किया जाता है। और दूसरा है अपकमिंग मेट्रो आ रहा है, मेट्रो 5 लाइन आ रहा है वहाँ पे, वो एक अपकमिंग में आपको कनेक्टिविटी इजी पड़ जाता है। कल्याण स्टेशन देखा है कोनगांव, तो इट इज़ 3.5-4 किलोमीटर डिस्टेंस आता है, बट भिवंडी साइड में आप आते हैं तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज रखे हुए हैं यहाँ पे। अभी कोई देख रहे हैं या कल्याण लोकेशन में देख रहे हैं तो कल्याण लोकेशन में भी अपने पास प्रॉपर्टीज आए हुए हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम आप पकड़ के चलो 39 लाख से स्टार्टिंग है, जो कल्याण KDMC में आता है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। KDMC में देखा जाएंगे तो KDMC में आपके पास जो अवेलेबल है 39 लाख से स्टार्टिंग है, 1 BHK छोटा कारपेट आता है ब्रांड में जाते हैं तो, और बाकी प्लस प्लस आएंगे आपको, और 2 BHK में आप जाते हैं तो 58 लाख तक जाता है यहाँ पे। तो ये अवेलेबिलिटी है। कल्याण नियर बाय आप देखते हैं तो आपको 1 BHK आपको कम से कम 52 लाख जाता है, जो स्टेशन के पास नियर बाय है 52 लाख है कुछ समथिंग, एंड 2 BHK में आप जाते हैं तो 65-70 लाख के बीच में आ जाता है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज़ है कल्याण के भी है। एंड डोंबिवली में आते हैं तो डोंबिवली में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे। डोंबिवली में मेरे पास वहाँ पे बालाजी का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, जो आपको अभी मीटिंग है 10 या 11 तारीख के बाद, तो वहाँ पे मीटिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंबिवली का पूरा प्रोजेक्ट बताऊंगा। डोंबिवली में वैसा ब्रांड में जाएंगे तो आपको रुनवल है, जो मानपाड़ा में आ जाता है रुनवल है, एंड उसमें लोधा है वहाँ पे, एंड पैराडाइज भी है, तो ये सब चीज़ है अपने पास। आपको वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वो मेरा ही नंबर है, तो उस पर आप कॉल करिए, तो मैं आपको कल्याण डोंबिवली का ये डिटेल्स आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, तो वो उधर वहाँ पे जाना है कल्याण डोंबिवली यहाँ पे, तो वो एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा है यहाँ पे। एंड लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा, एक सबसे बदलापुर का आपको मैं बताऊंगा। तो बदलापुर में ऐसा है कि बदलापुर मेरे पास दो ऐसे प्रोजेक्ट आए हुए हैं जो ऑलरेडी 300 फ्लैट्स है, उसमें से कुछ फ्लैट हम लोग ने सेल किया हुआ है, अभी अप्रॉक्स 15 दिन ही हुआ, तो अप्रॉक्स हम लोग ने एक 10 से 12 फ्लैट सेल किया है वहाँ पे, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। फुल्ली फर्निश के साथ है फ्लैट है, एंड उसका 1 BHK एंड 2 BHK दिया है, और 1 RK कॉन्फ़िगरेशन दिया है, फुल्ली फर्निश है आपको 1 RK एक 17 लाख तक जाता है यहाँ पे, और 1 BHK जाता है 23 लाख जाता है, एंड 2 BHK आप देख रहे हैं तो 35 लाख के बीच में जाता है यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। बदलापुर वेस्ट में भी है अपने पास अवेलेबल। थारवनी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, बदलापुर ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये है अपने पास अवेलेबल। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है बदलापुर के लिए, तो इसके लिए ये नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। रिस्पांस नहीं दिया कॉल का तो व्हाट्सअप करके रखिए कि रिक्वायरमेंट है आपका बदलापुर में, तो वो भी ऑप्शंस रखा हुआ है। अभी
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और ज़्यादा शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। बोलेगा क्या क्या बता रहा है, इतनी प्रॉपर्टीज लेके घूम रहा है ये, तो क्या क्या बताएगा आपको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, अलग लोकेशन के बारे में बताऊंगा, और कुछ अपडेटेड प्रॉपर्टीज़ रहेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है कि संडे प्रॉपर्टीज़ मसाला इसके लिए रखा हुआ है कि सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके लिए बताऊं मैं यहाँ पे। इसलिए ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। सो जितने भी नंबर मैंने आपको शेयर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कॉल करिए, और पुष्पक नगर के बारे में और नई मुंबई के लिए हो तो मेरा नंबर है आपके पास, उसके लिए कॉल करिए। थाने, आप थाने देख रहे हैं, भिवंडी देख रहे हैं, कल्याण डोंबोली देख रहे हैं, ये लोकेशन पे देख रहे हैं, तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने वेस्टर्न लाइन का शेयर करूंगा, जो मेरे पास ब्रांड में है, वेस्टर्न लाइन्स के हैं, एंड जो सेकेंड होम के लिए देख रहे हैं, प्लॉट के लिए देख रहे हैं, लोनावला देख रहे हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करिए, आने वाले नोटिस सब चले मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।